आप देख रहे हैं लाइव आज, हर खबर आप तक। चांदपुर में एयरटेल मनी ट्रांसफर की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तीन नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर 1,45,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया था। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए सभी अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व लूटी गई रकम में से 17,600 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर चांदपुर के मोहल्ला सराय रफी में एयरटेल मनी ट्रांसफर की दुकान में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। चांदपुर पुलिस व स्वाट टीम ने घटना का खुलासा करते हुए सात अभियुक्तों अभियुक्त आसिफ पुत्र साबिर अली निवासी मोहल्ला गांधी नगर थाना मंडी धनौरा, सलमान पुत्र चिरागुद्दीन निवासी मोहल्ला कटरा थाना मंडी धनौरा, जुनीद पुत्र कलीम निवासी मोहल्ला शेखजादगान थाना बिछराइन जनपद अमरोहा, फैसल पुत्र नसीमुद्दीन निवासी मोहल्ला मुक्ति सराय थाना चांदपुर, कामरान पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी मोहल्ला चाहसद थाना चांदपुर, शहीद हुसैन पुत्र दिलदार हुसैन मोहल्ला सराय रफी थाना चांदपुर, अमन पुत्र साजिद मोहल्ला सरायफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर निवासी को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में तीन अभियुक्तों ने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन जांच पड़ताल में सात अभियुक्त सामने आए हैं। इन अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये सभी अभियुक्त जनपद अमरोहा व बिजनौर में लूट की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने सात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई रकम में से 17,600 रुपए भी तमंचे के साथ बरामद किए हैं। इन शातिर बदमाशों को पकड़ने वाली टीम में स्वाट टीम निरीक्षक राजकुमार शर्मा, एसआई संजय कुमार, थाना चांदपुर प्रभारी अजय कुमार, एसआई नरेश कुमार, एसआई धर्मेंद्र गिरी, एसआई ललित कुमार, एसआई रॉबिन्स कुमार, कांस्टेबल नबी हसन आदि मौजूद रहे। कस्बा चांदपुर में 27 सितंबर को 1,45,000 की लूट की घटना हुई थी। इसकी एफआईआर दर्ज है। स्वाट टीम एवं चांदपुर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रथम दृष्टया एवं एफआईआर में तीन अभियुक्त थे, लेकिन जब घटना का अनावरण हुआ तो ये ज्ञात हुआ कि जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई हिमपुर दीपा में 17 नवम्बर को एक लूट हुई थी और एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें कुछ पैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह गए थे। तीनों घटना में ये सातों अभियुक्त थे। इसमें चार चांदपुर के और तीन अमरोहा जनपद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से चार तमंचे, कारतूस और 17,600 रुपया बरामद किया गया है। एक्टिव इनका क्षेत्र अमरोहा और जनपद बिजनौर था। इनका कार्य क्षेत्र ये था और पिछले 2-3 महीने से ये छिटपुट की वारदात करते थे। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से अपराधों में कमी आएगी। आसिफ जो गैंग लीडर है, सूचीबद्ध गैंग किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और एचएस खोला जाएगा और अनावरण करने वाले टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।